उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना सैदनगली के गांव धक्का की महिला फहमीदा पत्नी फिरासत द्वारा अपने ही पुत्र के खिलाफ थाना सैदनगली में तहरीर दी गई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके बड़े बेटे द्वारा ससुराल वालों के साथ मिलकर उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया गया और घर का सामान भी बाहर फेंक दिया है, जिसके चलते उसके सामने संकट खड़ा हुआ है। बुजुर्ग महिला के साथ उसकी बेटी और एक छोटा बेटा खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। बुजुर्ग महिला का ये कहना है कि वह जाए तो कहां जाए, लगातार उसके द्वारा न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उसकी पीड़ा को सुनने वाला कोई है ही नहीं। महिला का कहना है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए ताकि वे अपने छोटे बच्चों का गुजर बसर कर सके। परेशान करा है मुझे, बेटे से बात करती तो करने नहीं देती, नहीं आती हूं, बता नहीं देती। मेरे साथ गाली देते, लुटारे देते, निकालने कहते हैं कि निकल यहां से, ये मेरी बहन रहेगी, तू नहीं रह सकती। आपके साथ बदतमीजी किसने की? बहू के भाई ने। आपने कोई तहरीर दी थाने में? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? इंसाफ। तो तहरीर दी तो क्या कहते हैं वो? मतलब उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी मेरी। ये आपका सामान जो बाहर पड़ा है, ये किसने फेंका निकाल गया? ये बस फेंका क्या, जब परेशान हो गई तो डाल दिया बाहर, तो मुझे निकालने कर रहे थे, डाल दिया। आपके साथ कौन कौन है? एक लड़की है 15 साल की, लड़का है 17 साल का। तो कुछ कहना चाहती हैं? इंसाफ चाहती हूँ।